प्रिय बच्चों नमस्कार। आप 11th के बच्चे हैं और आपकी जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, इसकी सबसे अंतिम जो 8वीं पोएम है, जो सेकंड बुक सप्लीमेंट्री, इसमें पोएम तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन इस बुक में स्नैपशॉट में एक पोएम पढ़ना है आपको, और मैं आपको इस पोएम को आज इस वीडियो में पढ़ाता हूँ। और आज से बाकी जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट बुक हॉर्नबिल, सेकंड बुक जो स्नैपशॉट्स, और जो ग्रामर राइटिंग सेक्शंस जो आपको पढ़ने हैं, एक एक करके हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, इस पर हमने आपके लिए एक सुंदर सा वीडियो ही बनाया है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखे होंगे, और नहीं तो आप देख लीजिएगा क्या आपको 11th में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जितनी आपकी सिलेबस है उसमें 40% सिलेबस को हटा दिया गया है और मात्र 60% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। यह एक किंग के बारे में है, यह एक राजा के बारे में है। मेलन, आप जानते हैं मेलन का मतलब तरबूज, और मेलन सिटी, तरबूज को राजा बनाया जाता है। एक राजा को फांसी पर चढ़ा करके, या एक खुद राजा अपने स्वतः फांसी पर चढ़ जाता है। उसके बाद उस जगह पर चुनाव होता है कि अगला राजा कौन बनेगा। तो एक इडियट, एक मूर्ख आदमी से पूछा जाता है जो उस नगर से होकर गुजर रहा था कि बताओ हु विल बी द नेक्स्ट किंग। तो वह तरबूज खाने का शौकीन आदमी था, उसके मुंह से आवाज निकलता है मेलन। तो तरबूज को राजा बना दिया जाता है, और तरबूज अब एक शहर का, एक नगर का राजा होता है। और कैसे उस नगर का संचालन तरबूज करता है आप देखेंगे इस कविता में। द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम द मैपिंग्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1988। मैपिंग्स जो पत्रिका है उसमें 1981 में यह कविता छपी भी थी। एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ, और विक्रम सेठ के द्वारा यह कविता लिखी गई है। द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसिड, इस कविता में जो राजा है वह एकदम प्लेसिड है, बिल्कुल शांत चिंत दिमाग वाला व्यक्ति है, बिल्कुल शांत रहता है और एकदम शांत दिमाग से वह निर्णय लेता है। बोलता डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार, और ध्यान देना है अब यह कि वह अपने निर्णय को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है। राजा किसी एक खास विषय पर निर्णय लेता है और उस निर्णय को किस प्रकार आगे बढ़ाता है, और निर्णय वह कहाँ तक जाता है आप देखिएगा। आफ्टर इदरीस शाह, इदरीस शाह भारत के शासक हुआ करते थे, तो इदरीस शाह जो शासक हुआ थे उनके बाद की ये बात है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, जिस शहर के लिए मैं गाना गाता था, बोलता है गाता हूँ, देर वॉज जस्ट एंड प्लेसिड किंग, और जहाँ के लिए विक्रम शाह जी बोलते हैं मैं गाना गाता हूँ, वहाँ पर एक बहुत ही शानदार अच्छा प्लेसिड किंग था, एकदम शांत दिमाग चित वाला एक राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रियम्फली वुड स्पैन द मेजर थ्रू फेस। अब इस प्रकार से राजा ने एक आदेश दिया, एक आर्क का निर्माण हो चाहिए, एक तंबू का निर्माण होना चाहिए, या एक ऐसे द्वार का निर्माण होना चाहिए, एक ऐसे जगह का निर्माण होना चाहिए, एक ऐसे मेमोरेबल चीज का निर्माण होना चाहिए जो राजा के लिए, विजयी के लिए वह प्रतीक हो। विजयी के लिए राजा है वह एक मेहराब का निर्माण करवाना चाहता था, कहीं चौक चौराहे पर किसी सैनिक के नाम से आप स्टैचू लगा हुआ या गेट बना हुआ इस तरह का आपने देखा होगा। तो राजा एक इसी तरह का मेहराब का निर्माण करवाना चाहता था जो उसके विजय का प्रतीक हो, चिन्ह हो सके। बोलता टू आइडेंटिफाई स्पेक्टेटर्स, जहां पर राजा जा करके अपने दर्शकों को, अपने नगर के सारे नागरिक को वह बतला सके, घोषणा कर सके, उनका संबोधन कर सके, उनके बीच भाषण दे सके। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द किंग द थिंग दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग। अब इस प्रकार जो वर्कमैन थे, मतलब कि काम करने वाले वहां जो लोग थे, वे लोग वहां पर जाते हैं और जा करके वे लोग हैं वह उस मेहराब का, उस आर्क का निर्माण करते हैं। ऐसा वे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि राजा उनको आदेश देता है उस मेहराब का निर्माण करने के लिए। द किंग रोड डाउन द थ्रू फेस
285 स्पेक्टेटर्स। अब इस प्रकार से राजा जब आदेश दिया उस आर्क का, उस मेहराब का निर्माण हो जाता है, तो राजा उस मेहराब के पास जाता है अपने दर्शकों को संबोधन करने के लिए कि आपके सहयोग से आपका जो राजा है वह विजयी हुआ है, विजय उत्सव मनाता है, और उसके जिस युद्ध को वह लड़ा है उसके याद में राजा है वह यह आर्क का निर्माण किया है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब इस प्रकार से आर्क में जब वह घुसने लगता है तो घुसने के वक्त उसका जो क्राउन था, मुकुट था, वह ऊपर छत से टकराता है और मुकुट नीचे गिर जाता है। बोलता है द आर्क वाज बिल्ड सो लो, क्योंकि वह जो आर्क था वह बहुत नीचा निर्माण किया गया था। ए फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। और इस प्रकार से राजा तो बहुत शांत दिमाग वाला था, लेकिन जो ही उसका मुकुट नीचे गिर जाता है, एक राजा के लिए मुकुट ही बहुत बड़ी चीज होती है, शान का प्रतीक होता है, राजा होने का प्रतीक होता है, महाराजा होने का प्रतीक होता है, सौरव शान और गौरव का प्रतीक होता है। अब उसका मुकुट नीचे गिर गया है, राजा का जो गुस्सा नीचे का था तुरंत ऊपर चढ़ जाता है। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। राजा ने कहा यह एकदम शर्म की बात है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। और इस प्रकार से राजा ने बोला कि यह जो निर्माण करवा रहा था उन सारे जो लेबर मजदूर है उनका जो मुख्य व्यक्ति है जो जिसकी ठेकेदारी चल रही थी उस व्यक्ति को हैंग्ड किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को है वह फांसी के फंदे में चढ़ाया जाना चाहिए। द रोप एंड गलोप्स वेयर अरेंज्ड। और इस प्रकार से रस्सी और फंदे की सब कुछ की व्यवस्था किया गया उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने के लिए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेट डाउन। और इस प्रकार से मुख्य जो बिल्डर्स था ना उसको बुलाया गया निर्माण करने वाले को। ही पास्ड द किंग ही गेट अ शर्ट। ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट। और इस प्रकार से वह जो बिल्डर था जिसको फांसी पर चढ़ाना था वह राजा के बगल से गुजरता है और वह कहता है राजा साहब यह मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें जो लोग काम कर रहे थे ना उनकी गलती है। ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट। बोलता ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग्स। अब जब राजा ने सुना कि यह वर्कमैन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी गलती थी जिसके कारण इसको इतना नीचा निर्माण किया गया है, उन लोगों ने निर्माण किया है, राजा ने बोला इस कार्यवाही को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए। बींग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इन स्ट्रीट। राजा ने बोला अब सारे जो काम करने वाले लेबर मजदूर थे उन सारे को बुलाया जाए और उन सारे व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। बोलता द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड ओह किंग यू डू नॉट रियलाइज। अब इस प्रकार से जो वर्कमैन थे उन लोगों को बुलाया जाता है और इस प्रकार उन लोग बहुत आश्चर्यचकित था कि भाई हम लोग को फांसी क्यों चढ़ाया जा रहा है, हम लोग तो मजदूरी करने वाले थे, ईंट पत्थर बालू सीमेंट लाने वाले लोग, हम लोग की क्या गलती है, अरे इसमें हमारी क्या गलती है, हमको जितना आदेश दिया गया उतना हमने काम किया है। उन लोगों ने बोला द ब्रिक्स वेयर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। तो वर्कमैन जो मजदूर लोग थे उन लोगों को खुद बचने के लिए बोला महाराजा साहब जो ईंट बने हुए थे ना वो रॉन्ग साइज के बने हुए थे, गलत साइज उसका गलत आकार था, इसीलिए इसका निर्माण बहुत नीचे हुआ और इसीलिए आपकी मुकुट टकराई और गिर गई है। बोलता संबंध द मैसन्स सेड द किंग। तो इस प्रकार से राजा ने बोला कि मैसन को बुलाया जाए, राजमिस्त्री को बुलाया जाए। द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग। अब इस प्रकार से जो राजमिस्त्री था वो कांपते हुए वहां पर ना खड़ा होता है। इट वाज द आर्किटेक्ट सेड दे सेड। अब इस प्रकार से मैसन ने बोला यह तो आर्किटेक्ट जो वास्तुकार था जिसने नक्शा बनाया था उसकी गलती है महाराजा। बोलता है द आर्किटेक्ट वाज समन। और इस प्रकार से जो वस्तुकार था जिसने उस नक्शे को बनाया था, इंजीनियर था, उसको अब बुलाता है। बोलता वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मेजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। अब इस प्रकार से आर्किटेक्ट ने आया बोला महाराजा आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन मेरी एक आग्रह है, मेरी एक विनती है, मेरी एक बात सुन लीजिए। उस आर्किटेक्ट वस्तुकार इंजीनियर ने बोला महाराजा साहब जब हमने आपको प्लान दिखलाया था कि इतना नीचा बनेगा तो ठीक नहीं रहेगा, ऊंचा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो आपने उसमें अमेंडमेंट किया था, आपने उसमें सुधार करवाया था, और सुधार जो आपने करवाया था इसी कारण वह नीचा बन गया है। द प्लान्स व्हेन आई शो देम टू यू द किंग हर्ड दिस। बोलता द किंग सार रेड। और इस प्रकार राजा था ना सो लाल हो जाता, गुस्सा हो जाता है। बोलता इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। और इस प्रकार महाराजा ने अपने समझदारी खो दिया
देता है, बट बींग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकली थिंग। अब इस प्रकार से एक शांत चित्त हो राजा होने के नाते राजा ने बोला आई नीड सम काउंसिल, राजा ने कहा कि हमें कुछ लोगों की सलाह की जरूरत है, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और इस विषय पर हम सलाह लेंगे तब आगे निर्णय लेंगे। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्राउट। और राजा ने इस प्रकार बोला इस शहर के सबसे तेज तराक बुद्धिमान आदमी को बुलाया जाए, और शहर के सबसे तेज तराक और बुद्धिमान आदमी को बुलाया गया। बोलता है ने कैरीड टू द रॉयल कोर्ट, बोलता ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वाज ही। अब इस प्रकार से शहर के सबसे बुद्धिमान आदमी को बुलाया गया, वह एक बूढ़ा आदमी था, वह चल नहीं सकता था, लेकिन उसको बुलाया गया, उसको लाया गया। अब इस प्रकार से बट इन अ क्यूरिंग वॉइस ही सेड, वह बूढ़ा आदमी तो सबसे पहले आने के लिए तैयार नहीं था इस दरबार में, लेकिन वह आता है और वह कांपता है और कांपते हुए बोलता है द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, बोलता महाराजा जो दोषी आदमी है उसकी सजा अवश्य होनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट हैंग्ड, बोलता द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी बैंग्ड टू द स्कारफोल्ड, द आर्क वाज लेड व्हेन सडनली अ काउंसिलर सेड हाउ वी कैन हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मेजेस्टी। अब इस प्रकार से उसने बोला कि जो दोषी आदमी है उसकी फांसी अवश्य होनी चाहिए। वहां पर लोगों ने बोला राजा को, मिस वहां के मंत्री लोगों ने राजा को बोला, लेकिन महाराज एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो मुकुट था वो टच कहां किया था। तो राजा ने बोला इस जगह पर टच किया था, मतलब इतना ऊंचाई पर टच किया था। बोलता है ट्रू म्यूज्ड द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड। अब इस प्रकार राजा ने जितने लोगों को वहां भीड़ जमा किया था जिनके बीच वह फांसी किसी को देने वाला था, वे लोग थे ना वह अब बुदबुदाने लगे थे, वे लोग ना वहां रहना रुकना पसंद नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि राजा ने मजाक बना दिया है। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड, अब इस प्रकार राजा ने उन सारे पब्लिक के मूड को भांप लिया, राजा समझ लिया और राजा समझ लिया कि अब जल्द से जल्द किसी को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। एंड सेड टू ऑल हु वेयर असेंबल्ड, और इस प्रकार से वहां जो भीड़ जमा था सारे भीड़ को राजा ने आग्रह किया लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, बोलता द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। राजा ने घोषणा किया कि राष्ट्र एक की फांसी मांगता है, राष्ट्र को एक को फांसी चाहिए, फांसी अवश्य किसी न किसी को दिया जाना चाहिए, चाहे अब वह जो व्यक्ति को फांसी मिलेगा। बोलता द न्यूज वाज सेट अप सम व्हाट हाई, ईच मैन वाज मेजर्ड बाई एंड बाई, और इस प्रकार से फांसी का फंदा इस तरह के ऊंचाई पर लगाया गया था। जब फांसी का फंदा जितना ऊंचाई पर लगाया गया था, जब वास्तविक कल्प्रिट जो उसी आदमी था उसका पता नहीं करवा पाया गया, तब निर्णय हुआ कि किसी एक व्यक्ति को उसके जगह पर फांसी पर अवश्य चढ़ा दिया जाना चाहिए। अब इस प्रकार से इतने ऊंचाई पर इस तरह से लगा दिया गया था फांसी, और फांसी के फंदे में हर एक व्यक्ति को नापा जा रहा था, जो व्यक्ति उस फांसी के फंदे के लिए फिट हो जाएगा उस व्यक्ति को उस फंदे में चढ़ा दिया जाएगा। बोलता बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल सो फिटेड ही फिटेड, और इस प्रकार से फांसी का फंदा जितना ऊंचाई पर लगाया गया था उस फंदे में जब नापा गया तो सिर्फ एक व्यक्ति फिट आया, वन मैन दैट वाज ऑल ही वाज द किंग, और वह व्यक्ति मात्र राजा ही था, राजा ही जितना भीड़ जमा था उसमें सबसे लंबा था और फांसी के फंदे के लिए राजा ही सबसे उपयुक्त था। हिज मेजेस्टी वाज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल। अब इस प्रकार से शाही जो नियम था, राजा का जो बनाया हुआ नियम था, उसके तहत राजा को फांसी पर चढ़ना पड़ा, राजा को फांसी पर लटकना पड़ा, क्योंकि राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, न्याय जिसके पक्ष में जाए जो दोषी है वह उसको मानना पड़ेगा। अब इस प्रकार राजा को बात मानना पड़ा, राजा न्यायप्रिय था, राजा का बनाया हुआ यह नियम था, तो राजा ने फांसी के फंदे में झूल गया। बोलता थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स फॉर इट इनस्टेड, और मंत्रीगणों ने बोला हे भगवान थैंक यू, कैर हम लोगों ने अंतर निर्णय को प्राप्त कर लिया है, वी हैड नोट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड। इस प्रकार मंत्री लोगों ने घोषणा किया कि राजा जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, और इस प्रकार राजा अब मर चुका है। द
दे पॉन्डर द डायलमा देन बींग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मेजेस्टीज नेम द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट। अब इस प्रकार से अब कोई राजा तो है ही नहीं उस शहर में, उस नगर में कोई राजा नहीं है, तो बिना राजा का नगर कैसे संचालित होगा। अब एक नए राजा को वहां स्थापित करना है, राज सिंहासन बैठाना है, उस पर मुकुट, उसको मुकुट पहनाना है। लेकिन उस शहर उस नगर का एक नियम था कि जब राजा नहीं रहेगा तो मुख्य जो द्वार है वो मुख्य द्वार से जो व्यक्ति गुजरेगा वह व्यक्ति न राजा का चुनाव करेगा। मुख्य जो द्वार बना हुआ था उस नगर का, उस नगर से जो व्यक्ति गुजरेगा वह न राजा का चुनाव करेगा, ऐसा कुछ वहां का एक नियम था। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूल ऑफ आवर स्टेट रूलर ऑफ आवर स्टेट एज इन आवर कस्टम, वहाँ की यह संस्कृति थी, प्रथा थी। दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और उस व्यक्ति को जिसका नाम वह ले लेगा उसको एकदम सेरेमनी समारोह के साथ उसको है वहाँ का राजा बनाया जाएगा। ए मैन पास्ड बाई द सिटी गेट एन इडियट, और एक मूर्ख व्यक्ति उस शहर के नगर के उस गेट से गुजर रहा था। द गार्ड्स क्राइड वेट, और जो गार्ड था ना रक्षक था उस गेट कीपर ने बोला स्टॉप रुक जाओ प्रतीक्षा करो, हु इज टू बी द किंग डिसाइड, तुम्हें निर्णय करना है कि इस नगर का कौन राजा होगा। उस मूर्ख आदमी से जब गेट कीपर ने पूछा कि बताओ इस नगर का कौन राजा होगा, बोलता है मेलन, द इडियट रिप्लाइड, वह जो मूर्ख आदमी गुजर रहा था वह बोलता मेलन, मेलन मतलब व्हाट, तरबूज, खरबूज, खरबूजा, बोलता दिस वाज ही स्टैंडर्ड आंसर टू, और यह उसका उत्तर था। ऑल क्वेश्चंस ही लाइक्ड मेलन्स, और सारे जो प्रश्न हैं उसमें यह उत्तर मिलता है कि वह मेलन को खाना पसंद करता था, इसीलिए उसको लगा कि पूछा जा रहा है कि तुम क्या खाना चाहते हो तो उसने मेलन बोल दिया। लेकिन उसे पूछा जा रहा था इस नगर का राजा कौन बनेगा तो उसने मेलन बोल दिया। यू आर नाउ आवर किंग द मिनिस्टर सेड, अब इस प्रकार मंत्री ने बोला आप ना अब हमारे राजा बनोगे। क्राउनिंग अ मेलन Then they laid carried the melon to the throne and reverently set it down, इस प्रकार एक तरबूज को मंगाया गया और तरबूज को मंगा करके राज सिंहासन पर रखा गया, और राज सिंहासन पर रखकर तरबूज को है वह मुकुट को पहनाया गया, और इस प्रकार से उस नगर का राजा था वह एक तरबूज बन जाता है। बोलता है दिस हैपेंड ईयर एंड ईयर्स अगो, और यह बात वर्षों और वर्षों पहले हुआ है। When now you ask the people so your king appears to be a melon, बोलता how did दिस हैपेन, अब जब लोग वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा राजा तो तरबूज है, अब यह बात कैसे हुआ जी कि राजा तरबूज बन गया, तो वहाँ के लोग बतलाते हैं। बोलता दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, अब उन लोगों को कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ का भाई साहब जो नियम है नियम के हिसाब से तरबूज को राजा बनाया गया है, इसमें कोई विचित्र बात थोड़ी ना है। इफ हिज मेजेस्टी रिजवाइस इज बींग अ मेलन दैट्स ओके विथ अस फॉर दो फॉर हु आर वी टू से What he should be as long as he leaves us in peace and liberty, the principles of leisure fair seem to be well established there. अब इस प्रकार वहाँ नियम के तहत राजकीय जो व्यवस्था था वहाँ का नियम और संविधान था उसके तहत वहाँ पर नियम कानून बढ़िया से स्थापित कर दिए गए और बढ़िया से वह राजपाठ है वह चलता है। यह आपकी है पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, और पोएट का नाम है विक्रम सेठ। 11th क्लास की बहुत सुंदर सी यह कविता है। आशा करते हैं आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।